दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीद्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोलोराडो गैम्बिट। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड फेमस ओपनिंग जो कैरोकान डिफेंस, उसके बारे में बताऊंगा। स्पास्की गैम्बिट बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही मस्त गैम्बिट है, खेलने में बहुत मजा आएगा। तो स्पास्की गैम्बिट ध्यान से देखिए दोस्तों, कैरोकान डिफेंस के सामने खेलने के लिए व्हाइट को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब मैं ये लाइन बताऊंगा आपको, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस लाइन से खेलने में। तो सब शुरू करते हैं। e4, c6, d4, d5, ये जो मूव्स है ये कैरोकान के प्रॉपर ओपनिंग मूव्स है। एडवांस वेरिएशन खेलेंगे यहाँ पे e5, बिशप f5, नाइट ई टू, ये स्पास की वेरिएशन है। e6 ब्लैक, और यहाँ पे नाइट g6, बिशप g6 और h4। तो यहाँ से h5 भी खेल सकता है ब्लैक और h6 के, लेकिन h6 बेटर ऑप्शन है, इसलिए हम h6 से ही देखते हैं h6 के बाद क्या होता है। यहाँ पे आपको खेलना है h5, बिशप h7, बिशप d3। ये सिंपल लाइन है दोस्तों, बिशप टेक्स d3, ब्लैक विल टेक योर बिशप। मोस्टली लोग क्वीन टेक्स d3 करते हैं, लेकिन यहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा सी टेक्स d3, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। हालांकि आपके पॉन डबलिंग होते हैं, लेकिन सी फाइल पे जो ब्लैक के ऊपर प्रेशर आएगा, बहुत ही मजा आएगा खेलने में। वैसे भी ये पॉन तो एक्सचेंज होने वाला ही है, आफ्टर c5 देन पॉन टेक्स, और ये कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करने के लिए ये जरूरी है। यहाँ पे सी ब्लैक के पास मेन चॉइस कौन सी है, फर्स्ट देखते हैं qb6, जो आपके d4 पे डायरेक्ट प्रेशर दे रहा है, और दूसरी जो चॉइस है नाइट d7, सिंपल डेवलपमेंट। तो दोनों चॉइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं qb6 वेरिएशन। स्टार्टिंग के मूव्स देख लीजिए आप ध्यान से, e4, c6, d4, d5 बहुत ही नेचुरल मूव है, कोई प्रॉब्लम वाले मूव नहीं है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। यहाँ पे h5 से बेटर h6 मैंने बताया, तो h5 ज्यादातर लोग नहीं करते। बिशप, उसके बाद बिशप टेक्स बिशप, सी टेक्स d3, देन क्वीन b6। यहाँ पे आपको खेलना है बिशप e3। अब आप सोचोगे कि ये b2 वाला पॉन तो हैंगिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइट को खेलने में इसी पॉन सेक्रीफाइस से बहुत मजा आएगा। आफ्टर क्वीन टेक्स b2, नाइट d2, बिशप b4, नाइट को पिनिंग कर रहा है, और यहाँ सिंपल कैसलिंग। कैसलिंग के बाद नेचुरल मूव क्या है कि बिशप टेक्स नाइट, क्योंकि ऑलरेडी वाइट एक पॉन अप है, तो बिशप टेक्स नाइट। और यहां मैं आपको सरप्राइज करूंगा रुक b1 से। अब क्वीन इंटू a2 फोर्स से, क्योंकि यहां बिशप भी थ्रेट में है, क्वीन a2, उसके बाद बिशप टेक्स d2। ब्लैक खेलेगा b6, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका रूक सेवंथ पे आ जाए, तो b6 इज अ फोर्स मूव आई थिंक। यहां पे बिशप b4, अब ये डायरेक्ट आपने कैसल स्टॉप कर दिया ब्लैक का। नाइट d7, ब्लैक विल प्ले नाइट d7, डेवलप करना जरूरी है, सब नेचुरल मूव है, कोई भी न्यू मूव नहीं है। क्वीन g4, अब यहां पे आप खेल रहे हो g7 पे, रुक h7, अब बेस्ट ऑप्शन एक ही है पॉन को बचाने का, नाइट f5, ये जबरदस्त सैक्रिफाइस। अब यहां पे नाइट टेक्स पॉन की थ्रेट है, e takes f5, ये फोर्स मूव, और उसके बाद क्वीन टेक्स f5, और उसके बाद आप देख सकते हो कि व्हाइट एक पॉन डाउन है, लेकिन पोजिशनली
जबरदस्त अटैक में है। नेक्स्ट थ्रेट आपकी है e6, देन पॉन टेक्स, क्वीन चेक और बहुत कुछ हो सकता है इस गेम में, जिसके जवाब ब्लैक के पास नहीं है, क्योंकि ब्लैक अगर लॉन्ग कैसल भी करता है तो डायरेक्ट क्वीन टेक्स f7 और यहाँ पे डेंजर बहुत हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पास की। अब दूसरा वेरिएशन 97, अगर क्वीन b6 के बजाय इस पोजीशन में क्वीन b6 के बजाय अगर डेवलप 97 करके करता है तो आपको डायरेक्ट क्वीन g4 खेलना है, सीधा ही g7 पे थ्रेट है। क्वीन g4 ब्लैक खेलेगा c5 सॉरी, यहां पे आपको कैसल करना है c takes d4 और उसके बाद f4 सेंटर पोन को सपोर्ट करना जरूरी है। नाइट e7 f5 नाइट क्रॉस e5 क्वीन e2 ये सारे मूव्स आपको देख सकते हो कि बनाए हुए हैं, मतलब ट्रैप में लेने के लिए आपने ये सेंटर पोन सैक्रिफाइस कर दिया f5 करके। तो क्वीन e2 के बाद ब्लैक को रिप्लाई देना होगा f6, क्योंकि ये नाइट थ्रेट में है, अगर नाइट हटा दिया तो e6 डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो f6 के बाद बिशप f4, वन मोर अटैक ऑन दिस नाइट, nc n7 c6, नाइट से नाइट को सपोर्ट बढ़ाएगा, एफ क्रॉस e6, बिशप d6, नाइट f5, g7 पे थ्रेट, ब्लैक कैसल करेगा, बिशप टेक्स e5, नाइट टेक्स e5, नाइट d2, ये पोजीशन कंप्लीटली व्हाइट की फेवर में। सेवंथ रैंक पे पॉन पहुंचने वाला है, नाइट से बिशप पे अटैक भी है, क्वीन नाइट और दोनों रूक सभी पीछे से एक्टिव है और वीकनेस g6 पे भी है, तो ये गेम व्हाइट को खेलने में बहुत मजा आएगा। 6 pawn vs 7 pawn एंड ब्लैक हैज ए डबल पॉन, कभी भी नाइट टेक्स d4 और भी थ्रेट है, बहुत सारे थ्रेट। तो यहाँ से आप आगे गेम खेल के अपना एक्सपीरियंस लीजिए। तो ये थी कैरोकान डिफेंस के सामने स्पास्की वेरिएशन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग लाइन है जो जिसका नाम है सिसिलियन, पर सिसिलियन के सामने बहुत सारे लोगों को खेलने में प्रॉब्लम होते हैं, तो सिसिलियन अगेंस्ट में आपको एक नई लाइन बताऊंगा, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी होगा, जिसका नाम है साइबेरियन अटैक। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात।